नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ट्रीटमेंट प्लान जो बोलते हैं ना आयुर्वेद में, चिकित्सा कैसी की जाती है, किस तरह से, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी प्लान्स रहते हैं, फिर इसमें से जो एक स्पेसिफिक प्लान है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो श्वास की बीमारी में, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, कास की शिकायत में, जीर्ण प्रतिष्ठा में या साइनोसाइटिस की शिकायत में, ये जो प्लान है वो डॉक्टर लोगों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल डॉक्टर्स को बहुत काम आ सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि दिव्य जो धन्वंतरी मतलब जो पतंजलि का है श्वासारी क्वाथ, वो 200 ग्राम उसकी पाउडर मिल जाती है आपको। दिव्य मुलेठी क्वाथ वो 100 ग्राम आपको लेना है, मतलब एक 200 ग्राम और एक 100 ग्राम्स, दोनों औषधियों को मिलाकर, मतलब एक चम्मच की मात्रा में लेकर 400 मिलीग्राम पानी में उसको पकाना चाहिए, कुकिंग जिसको बोलते हैं, बॉईल करना चाहिए, और 100 ml शेष रहने पर वो छान कर सुबह खाली पेट तथा शाम भोजन के बाद उसको सेवन करना चाहिए। तो ये एक फ्रेश काढ़ा आपको बनाना है, जिसके लिए आपको एक क्रूड पाउडर जिसको बोलते हैं क्वाथ के लिए, जो रेडीमेड पाउडर है वो आपको मिल सकती है, उसकी लिंक मैंने दे चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि श्वासारी रस 20 ग्राम्स, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम्स, त्रिकुट चूर्ण 10 ग्राम, सीतोपलादि चूर्ण 25 ग्राम। तो ये तो जानते हैं कि श्वासारी रस इज ए वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर फॉर द ब्रोंको डायलेटर, हमारी जो श्वास वाहिनी है उसको प्रसारण करने में, ब्रोंकोस्पैज्म कम करने में ये श्वासारी रस काम करता है। अभ्रक भस्म जो है वो जो हमारा ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक जब आता है तो उसका कनेक्शन कुछ हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट भी रहता है, ब्रेन की तरफ भी जाता है, तो एंग्जाइटी टेंशन कम करने के लिए और हमारी जो डीजनरेटिव प्रोसेस रहती है कहां पर भी, चाहे वो एलर्जी की वजह से हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, वो डीजनरेशन कम करने के लिए और पूरे श्वास मार्ग की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये ब्रेन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभ्रक भस्म काम करता है। प्रवाल पिष्टी जो है, प्रवाल पिष्टी और सीतोपलादि चूर्ण, इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे हम कहते हैं कि न्यूमोनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इसमें जो ITIs जो शब्द है वो इन्फ्लेमेशन या सूजन पित्त प्रकोप का कारण बताती है, वो पित्त प्रकोप इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए ये प्रवाल पिष्टी और सीतोपदादि चूर्ण काम आते हैं। आगे चलते हैं त्रिकटु चूर्ण, जैसे सुंठ मरीच और पिपली, ये क्या करते हैं कि हमारी शरीर का जो अग्नि है उसका वर्धन करती है और आम पाचन का एक बेस्ट कार्यकारी काम करती है। आयुर्वेद तो मानता है कि जो ये ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत हो, चाहे वो लंग या रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के कनेक्टेड हो, फिर उसका जो मूल स्थान है, उगम स्थान है, वो आमाशय आयुर्वेद ने कहा है। तो हमारा रोगाः सर्वे अपि मन्देग्नो, कौन सी भी बीमारी में ज्यादातर अग्निमान्द्य एक कारणीभूत होता है, इसके लिए त्रिकटु चूर्ण आपको फायदेमंद रहेगा। तो ये इस मात्रा में लेकर सब औषधियों को मिलाकर 60 पुड़िया बनाना चाहिए, प्रतिदिन एक पुड़ी सुबह और एक पुड़ी रात को, मतलब एक पुड़ी प्रातः नाश्ता एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा पहले। कई जगह पर आप उनूना पानी, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या कुछ लोग शहद का साथ ले सकते हैं, जिसकी ज्यादा पित्त प्रकृति है वो मलई के साथ भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है शहद व कफ लोगों के काम आ जाएगा, ये जल पानी जो है गर्म पानी वो वात प्रिडोमिनेंट प्रकृति के लिए काम आएगा, और मलई जो है वो पित्त प्रधान प्रकृति जिसकी हो उसके लिए काम, ये अनुपान बोलते हैं, जल शहद और मलई क्या है, अनुपान है। इसके साथ साथ लक्ष्मी विलास रस ये 40 ग्राम और दिव्य संजीवनी वटी जो है वो 40 ग्राम लेना है। ये एक टैबलेट फॉर्म में मिल सकती है, लक्ष्मी विलास रस की टैबलेट है और संजीवनी वटी भी टैबलेट है, तो दोनों में से एक एक गोली दिन में 3 बार, मतलब प्रातः नाश्ता, दोपहर को भोजन एवं रात्रि भोजन के बाद गुनगुने जल से या हल्दी मिलाकर उबाले हुए दूध के साथ ये सेवन करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि हल्दी जो है इट्स अ बेस्ट व्हाट यू कैन से द एंटीसेप्टिक है, एंटी एलर्जिक भी है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसमें एक ध्यान में रखने की जरूरत है कि जीर्ण रोग की अवस्था में 1 माह की औषधि में दिव्य सुवर्ण वसंत मालती रस 2 से 3 ग्राम तक मिलाने से अत्यंत फायदा मिल सकता है।
क्षतक्षीण की अवस्था में, मतलब जो भी ट्यूबरक्लोसिस की उसके साथ शिकायत है, या कुछ कैंसर हो गया है, या कुछ एचआईवी की शिकायत है, और उसके साथ साथ ये दमे की या श्वास की शिकायत है, श्वास मार्ग की शिकायत है, तो धातु क्षयजन्य जब वात प्रकोप रहेगा तो कहेरवा पिष्टीस 5 से 10 ग्राम भी आप ये फॉर्मूला में मिला सकते हैं। श्वास काश के साथ यदि सामान्य दौर्बल्य भी हो तो शिलाजित रसायन वटी एक एक गोली प्रातः सायं सेवन करने से विशेष लाभदायक हो सकता है। ये जो भी अभी तक औषधि बताई, ये किसके साथ? दिव्य धारा जो है उसको सूंघने से तथा पतंजलि बाम को लगाने से विशेष लाभ मिल सकता है। उसके साथ कई कबार षडबिंदु तैल का नस्य लेने से भी ये एंटी एलर्जिक काम करता है, हमारे नेजल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और उसकी तरफ से हम ये श्वास काश बीमारी में फायदा मिल सकता है। परहेज में घी, तेल, खटाई, ठंडी वस्तुएं, केला, दही, आइसक्रीम आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एवं सुखोष्ण जल का सेवन इसके पथ्य के तौर पर पालन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था फॉर्मूला या प्रिस्क्रिप्शन जिसके साथ हम ब्रोंकियल अस्थमा, काश, प्रतिशय जैसी शिकायत को ठीक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एजुकेशनल वीडियो है, तो सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड मतलब कोई भी बीमारी में, किसी भी अवस्था में ऐसी जरूरत पड़े तो वैद्य सलाह लेने की बहुत जरूरत है। हमारे आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आपको किसी को भी मतलब पर्सनल कुछ एडवाइस चाहिए तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9226810630 पर आप व्हाट्सएप सिर्फ कर सकते हैं। मैं आपको विनंती करता हूँ कि कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा आयुर्वेद एकेडमी जो चैनल है वो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो बेल बटन आइकॉन है वो भी प्रेस करने की कृपा करें। धन्यवाद।